हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और मैं स्वागत करता हूँ आपका द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये पता है कि हम सब इंडियंस एक तरह के कंज्यूमर्स ही हैं, क्योंकि हम सभी आउटसाइड कंट्रीज़ के सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चाइना इन सभी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करता, तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएं। दोस्तों, अब शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना इन सभी एप्लीकेशन एंड सर्विसेज का यूज़ क्यों नहीं करता, और अगर नहीं भी करता तो वहाँ पर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उसे इन सर्विसेज की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि किसी भी चीज़ की कॉपी करने में नंबर वन पर है, और वहाँ की गवर्नमेंट इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। दोस्तों, असल बात ये है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी चाइना में अपना बिजनेस करने के लिए जाती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस कंपनी का बहुत ही मेहमानों वाला स्वागत करती है, और जब वो कंपनी चाइना में अपना बिजनेस कर रही होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट अपनी कड़ी नज़र उस कंपनी पर जमाए रखती है, और इसी के साथ ये भी ध्यान में रखती है कि चाइना के नागरिकों को उस कंपनी की सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। और जब चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये लगता है कि वहाँ के नागरिक उस प्रोडक्ट को खुद बना सकते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस असल कंपनी के सामने एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में लेकर आती है। चाइना की डुप्लीकेट कंपनी को तो चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलती है, और वहीं पर जो असल कंपनी होती है उस कंपनी पर चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, जिसके कारण उस कंपनी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो उस कंपनी को बंद करके वहां से चली जाए, और या फिर वो डुप्लीकेट कंपनी के साथ मर्ज हो जाए। इसी के कारण ही एप्पल के फ़ोन चाइना की मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों पर बिकते हैं, और ये जानते हुए भी एप्पल चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चाइना में ऐसी बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनीज़ हैं जिसके कारण चाइना को किसी अदर कंट्री के सर्विसेज का उपयोग नहीं करना पड़ता। इसीलिए चाइना गूगल जैसे सर्च इंजन की जगह बाइडू, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थान पर रैनरैन, व्हाट्सएप की जगह पर वीचैट, शॉपिंग करने के लिए अमेज़ॉन के स्थान पर अलीबाबा एक्सप्रेस, और यूट्यूब जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूक्यू का उपयोग करता है। ये सभी एप्लीकेशन चाइना की अपनी एप्लीकेशंस हैं, जिसके कारण वो अपने देश की इकोनॉमी को भी आगे लेकर जा रहा है। दोस्तों, अब इंडिया को भी अपने देश के इंडियन प्रोडक्ट बना लेने चाहिए, जिससे कि हम उनका यूज़ कर सकें और देश की इकोनॉमी को भी आगे ले जा सकें। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, और या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय।